हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ललितपुर पैट्रियट वर्सेस चितवन टाइगर्स के बीच में होने वाला मैच के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मैच स्टार्ट होने में अभी भी 1 घंटा 20 मिनट लगभग बाकी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, लेकिन ये मैच की बात करें तो 15 T20 मैच है और ये मैच ट्राइबोवन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएंगे और नेपाल का लीग है फ्रेंड्स। इस लीग को आप एवरेस्ट प्रीमियर लीग भी बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर किस विकेट कीपर को लेना चाहिए। तो आगे अगर कोई भी ड्रीम इलेवन टीम बंदा बनाता है तो इस प्लेयर को जरूर लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर इनकी स्टार्ट यहाँ पर देखा जाए तो ड्रीम इलेवन पॉइंट्स में 239 है, मोहम्मद शहजादे की 134, डी नाथ की 75 और इस प्लेयर को पूरा अवॉइड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि जिसका ड्रीम इलेवन ज़्यादा पॉइंट्स है उसी को ज़्यादा लोग लेते हैं और इनकी सिलेक्शन भी देख सकते हो 93.25% है, मोहम्मद शहजादे की 74.16 और यहाँ पर डी नाथ की 3.61। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप टीम बनाते समय कभी भी ड्रीम इलेवन पॉइंट्स देख के आप कभी भी टीम मत बनाएं। अगर इस तरह बनाओगे तो फ्रेंड्स आप कोई लीग नहीं जीत सकते हो। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करने वाले किस विकेट कीपर को लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं तीनों में एक ही विकेट कीपर को लेने वाला हूं। कौन सा विकेट कीपर को लेने वाला हूं, चलिए आपको मैं बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आ गए हम लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर तीन विकेट कीपर को मैंने पिक किया, तो तीनों विकेट कीपर यहीं पर है। तो पहला विकेट कीपर है फ्रेंड्स यहाँ पर साधन विराट कोहली विकेट कीपर है। तो इनका बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो 73 रन है, 58 रन बनाए हैं लास्ट दो मैच में, फिर 19 रन और 2 रन। तो यहाँ पर देखा जाए तो इनकी स्कोर बहुत अच्छा है, 73, 58, 19। तो यहाँ पर लास्ट दोनों मैच में अर्धशतक बनाए, इसका मतलब कि ये प्लेयर बहुत अच्छे फॉर्म में है। उसके बाद मोहम्मद शहजादे की बात करें तो फ्रेंड्स ये विकेट कीपर है। अगर इनकी बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैच में 63 रन बनाए और यहाँ पर 17 रन और 1 रन बना के आउट हो गए। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद शहजादे की बात करें तो बहुत एक्सपीरियंसड प्लेयर है फ्रेंड्स, अफगानिस्तान के लिए खेलते हैं, बेस्ट विकेट कीपर है, शुरू से अटैकिंग करते हैं फ्रेंड्स, इस प्लेयर को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए। और यहाँ पर दिलीप नाथ की बात करें तो विकेट कीपर है फ्रेंड्स, लास्ट दो मैच में यहाँ पर 23 रन 23 रन और 0 बना के आउट हो गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दिलीप नाथ को अवॉइड करता हूँ और यहाँ पर मैं दो विकेट कीपर को भी ले सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं एक विकेट कीपर को लूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोहम्मद शहजादे और यहाँ पर सदन विराट कोहली दो प्लेयर्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पहले दो विकेट कीपर्स को पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों विकेट कीपर को पिक कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दो विकेट कीपर को पिक किए और यहाँ पर बैट्समैन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैट्समैन की देखा जाए तो कोई किसी प्लेयर का भी खास स्कोर नहीं है, लेकिन यहां पर मैं तीन बैट्समैन को पिक करने वाला हूं फ्रेंड्स यहां पर। और जी मल्ला की बात करें तो फ्रेंड्स अभी तक एक भी मैच नहीं खेले, अगर ये खेलेंगे तो फ्रेंड्स इनका भी स्टार्ट सबको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बैट्समैन को पिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर बैट्समैन में देख सकते हो पहला बैट्समैन है फ्रेंड्स यहां पर कुशल बर्टल। तो इनकी बात करें तो फ्रेंड्स लास्ट मैच में 32 रन बनाए और 2 रन बनाए, 3 रन बनाए, 0 रन, 0 विकेट। तो इनका देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर इनकी एवरेज, इनकी स्ट्राइक रेट, जो भी इनकी रन्स है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अच्छे हैं। 5 इनिंग्स में 278 रन बनाए, 69.50 इनकी एवरेज है। और ओसाइडो फर्नांडो की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनकी श्रीलंका के लिए खेलते हैं फ्रेंड्स, बहुत एक्सपीरियंसड प्लेयर हैं, यहाँ पर देख सकते हो 20 रन 10 रन और 4 रन बनाए। और यहाँ पर वीरेंद्र सिंह की बात करें तो फ्रेंड्स अभी तक इनको मौका नहीं मिला बैटिंग में, तो इनका स्टैट्स देखना तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो। उसके बाद एक और प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर भीम सर की, इनकी बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट मैच में अर्धशतक बनाए, 54 रन 6 रन और 30 रन बनाए। और यहाँ पर संदीप जोरा की बात करें तो बैट्समैन है फ्रेंड्स, लास्ट मैच में 38 रन बनाए, 0 है। और राजेश पुलामी की बात करें तो 26 रन और 43 रन बनाए। और यहाँ पर ईशान पांडे की बात करें तो 0 for 0 for 10 है। और यहाँ पर बात करें तो शंकर राणा की 14 21 44 15 27 है। और यहाँ पर रंजंग मिक्यो डॉर्जी की बात करें 17 रन 27 रन और 22 रन बनाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं तीन ही बैट्समैन को लेने वाला हूँ, कौन कौन होने वाला है चलिए आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सदन विराट कोहली की बात करें तो विकेट कीपर है फ्रेंड्स यहाँ पर। बैट्समैन में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्लेयर का कोई खास रन नहीं है, तो इस प्लेयर को मैं नहीं लेने वाला हूँ। और ओसाइडो फर्नांडो की एक्सपीरियंस बहुत है फ्रेंड्स यहाँ पर, लास्ट मैच लेकिन नहीं खेले, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं लेने वाला हूँ। वीरेंद्र सिंह का अभी तक मौका नहीं मिला, अगर ये प्लेयर खेलता है फ्रेंड्स तो इनको मैं जरूर पिक करूँगा, लेकिन नहीं खेलेगा तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भीम सरकी को मैं पिक करने वाला हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्लेयर मुझे मिल गए। और दूसरा एक और प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर राजेश पुलामी को मैं लेने वाला हूँ, दो प्लेयर मिल गए फ्रेंड्स यहाँ पर। और एक और प्लेयर होने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर संदीप जोरा, नहीं तो यहाँ पर अब देख सकते हो यहाँ पर शंकर राणा की, यहाँ पर हर मैच में इनकी खास स्कोर नहीं है लेकिन डबल डिजिट स्कोर है फ्रेंड्स यहाँ पर। रंजंग मिक्यो डॉजी को भी आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ राजेश पुलामी, भीम शर्की और संदीप जोरा को मैंने पिक किया। अब नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला प्लेयर जो है आप इस प्लेयर को कुशल बटर ओसाइडो फर्नांडो में भी दोनों में एक को ले सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ओसाइडो फर्नांडो को पिक कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत एक्सपीरियंसड प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर, श्रीलंका के लिए भी खेलें। तो यहाँ पर ओसाइडो फर्नांडो, भीम शर्की और यहाँ पर मैं
राजेश पुलामी को पिक किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं तीन बैट्समैन को लिया, चलिए फ्रेंड्स वो तीन बैट्समैन को हम लोग पिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वोसाडो फर्नांडो को मैंने पिक किया, भीम सरकी को पिक किया फ्रेंड्स यहाँ पर, और राजेश पुलामी को मैंने पिक किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे तीन बैट्समैन हो गए, दो विकेट कीपर हो गए। अभी ऑलराउंडर्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलराउंडर्स को मैं यहाँ पर दो से तीन ऑलराउंडर को पिक करने वाला हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। चलिए यहाँ पर कौन से ऑलराउंडर को लेना हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप कभी भी पॉइंट्स देख के टीम मत बनाएं, अभी भी आपको मैं बोल रहा हूँ। चलिए आपको कौन सा ऑलराउंडर को पिक करना मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलराउंडर्स की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्लेयर है करीम जन्नत। तो इनकी बात करें तो फ्रेंड्स लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर लास्ट दो मैचेस में 21 रन बनाए, दो विकेट लिए और 19 रन बनाए और दो विकेट लिए, और इनकी एवरेज स्ट्राइक रेट जो भी है, इनकी इकॉनमी है, विकेट्स भी बहुत अच्छे। तो फ्रेंड्स इस प्लेयर को 100% पिक करना है आपको, करीम जन्नत को मैं ले रहा हूँ फ्रेंड। उसके बाद सिखुकी प्रसन्ना की बात करें तो इनको श्रीलंका में बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है फ्रेंड्स, यहाँ पर श्रीलंका क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं, तो इनको भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। इनकी सिलेक्शन बहुत हाई होने वाला है, तो फ्रेंड्स इस प्लेयर को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। और योगेंद्र सिंह करकी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 27 रन बनाए और एक विकेट लिया लास्ट मैच में। उसके बाद आप देख सकते हैं इनकी कोई खास नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो यहाँ पर योगेंद्र सिंह करकी को मैं अवॉइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। पवन सरफ की बात करें तो लास्ट मैच में 2 रन बनाए, कोई विकेट नहीं, यहाँ पर 1 रन बनाए, कोई विकेट नहीं, और यहाँ पर 5 रन और कोई विकेट नहीं, यहाँ पर 61 रन बनाए और 1 विकेट है। तो फ्रेंड्स पवन सरफ को भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ। नारायण जोशी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलराउंडर हैं, इनकी भी कोई खास कोई स्कोर नहीं है फ्रेंड्स, लास्ट 4 मैचों से गेंदबाजी भी नहीं कर रहा, तो फ्रेंड्स इस प्लेयर को भी अवॉइड कीजिए। और रशीद की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 मैच खेले हैं, यहाँ पर बैटिंग तो नहीं किया लेकिन लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला लेकिन प्रीवियस मैच में 3 विकेट लिए हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से 3 ऑलराउंडर होने वाला है। तो पहला प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर करीम जन्नत को मैं 100% लेने वाला हूँ, और सिकू की प्रसन्ना को लेने वाला, और रशीद को लेने वाला हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स ऑलराउंडर्स को पिक कर लेते हैं। तो सिकू की प्रसन्ना लास्ट मैच नहीं खेले फ्रेंड्स, अगर खेलते हैं तो यहाँ पर 100% रहने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रशीद को मैंने पिक किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 3 ऑलराउंडर्स को पिक किए। अभी हम लोग यहाँ पर 3 बॉलर्स यहाँ बचे फ्रेंड्स, तीनों बॉलर्स को हम पिक करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कौन सा बॉलर को लेना चाहिए यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर गेंदबाजों की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो अजमतुल्ला उमर जय, एक्चुअली बात करें तो ऑलराउंडर है फ्रेंड्स, कोई गेंदबाज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो लास्ट मैच में 4 विकेट लिए और 58 रन बनाए, उसके बाद 42 रन और 0 विकेट, यहाँ पर फिर 1 विकेट लिए। तो फ्रेंड्स अजमतुल्ला और उमर जय को मैं 100% अपनी टीम में रखना। उसके बाद यहाँ पर सोमपल कामी की बात करें तो ऑलराउंडर है, लास्ट मैच में 1 विकेट लिए, प्रीवियस मैच में विकेट नहीं मिला, उसके बाद 9 रन बनाए और 2 विकेट लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 मैच में इनको 3 विकेट मिला सोमपल कामी को। और यहाँ पर आरी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर कमल सिंह आरी के बॉलर हैं, लास्ट मैच में 2 विकेट लिए हैं और उसके बाद यहाँ पर भी 23 रन बनाए और 1 विकेट, और यहाँ पर 1 रन बनाए और 2 विकेट लिए हैं। और यहाँ पर ललित राजवंशी को लास्ट मैच में 2 विकेट मिला फ्रेंड्स यहाँ पर। और सदव आलम की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी भी अच्छी है, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला लेकिन 1 विकेट यहाँ पर 25 रन बनाए और 3 विकेट, यहाँ पर 0 पर 0 है। और यहाँ पर रजन धकल की बात करते हैं, यहाँ पर 3 मैच में 2 विकेट मिला। तो फ्रेंड्स इस प्लेयर को अवॉइड करके, यहाँ पर को 5ों गेंदबाज बेस्ट है लेकिन यहाँ पर मुझे 3 गेंदबाजों को लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अजमतुल्ला उमर जय, कमल सिंह आरे, और यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर सोमपल कामी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 3 गेंदबाजों को पिक किए। तो फ्रेंड्स सोमपल कामी हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर उमर जय और यहाँ पर आरे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मुझे और एक्स्ट्रा गेंदबाज पे जाना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 विकेटकीपर को घटाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो विकेटकीपर को घटा के आप ललित राजवंशी को आप ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि लास्ट मैच में 2 विकेट लिए। और नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर साहब आलम को ले सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि लास्ट 5 मैचेस में इनको 5 विकेट मिला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो टीम बनाए वही होने वाला मेरा टीम। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 विकेटकीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर, 3 गेंदबाजों को पिक किए। तो फ्रेंड्स अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स कैप्टन और वाइस कैप्टन में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर करीम जन्नत बेस्ट ऑप्शन आपको कैप्टन के लिए। और वाइस कैप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स ये मैं हेड टू हेड के लिए बता रहा हूँ, तो हेड टू हेड के लिए विराट कोहली आपको बेस्ट ऑप्शन वाला होने वाला। तो फ्रेंड्स अगर मैं ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन बनाऊंगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर मोहम्मद शहजादे को बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंसड प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर, अपने बहुत हार्ड हिटर है, स्टार्टिंग से अटैकिंग करते हैं, इनकी स्ट्राइक रेट भी लाजवाब है। तो फ्रेंड्स इनको आप जरूर पिक कर सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। और यहाँ पर कैप्टन और या वाइस कैप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स हमेशा आप जब ग्रैंड लीग भी खेलते हो, लेकिन वाइस कैप्टन कभी भी आप सेफ जोन चूजिए, तो यहाँ पर करीम जन्नत को मैं वाइस कैप्टन पिक करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हेड टू हेड टीम के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोहम्मद शहजादे, विराट कोहली को मैंने पिक किया विकेट कीपिंग में, और बैट्समैन में फुलामी, सरकी और वो फर्नांडो है, और यहाँ पर ऑलराउंडर्स में प्रसन्ना, करीम जन्नत और रशीद है फ्रेंड्स यहाँ पर। गेंदबाजी में संपल कामी, उमर जय और के सिंह आ रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। कैप्टन वाइस कैप्टन में करीम जन्नत और विराट कोहली को मैंने पिक किया। तो फ्रेंड्स ये कोई मेरा फाइनल टीम नहीं है कि इसमें कोई भी एक दो प्लेयर मिस हो सकता है फ्रेंड। तो फाइनल टीम के लिए आपको एक चैनल विजिट करना पड़ेगा, वो है मेरे टेलीग्राम चैनल फ्रेंड। आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं
फाइनल टीम फाइनल अपडेट सब कुछ यहाँ टेलीग्राम पे देता हूँ, क्योंकि टॉस अनाउंस होने के बाद यहाँ पर फाइनल टीम होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों टीम की प्लेइंग 11, उसके बाद दो कौन सी टीम टॉस जीती है, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम पे दे पाऊंगा फ्रेंड्स। लिंक डिस्क्रिप्शन पे जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो फ्रेंड्स आपको क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे सर्च करना, सर्च करते मेरा चैनल हो जाएगी, अब वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना। तो 680 प्लस सब्सक्राइबर्स है फ्रेंड्स, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये है, अगर और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं इस मैच की, चलिए फ्रेंड्स वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये पिच जो है बैलेंसड रहने वाला है, यहाँ पर 140 तक रन्स बन सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बारिश होने की चांसेस है और टेम्परेचर रहने वाले 19.38 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर अगर दोनों टीम की फॉर्म की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ललितपुर पेट्रोल्स ने लास्ट 5 मैच में 2 मैच जीते हैं और 1 मैच टाई हो गया, ड्रा जो भी बोल सकते हो, 2 मैच हारे हैं। और यहाँ पर चितवन टाइगर्स ने लास्ट 5 मैच में 1 ही मैच हारे हैं और चारों के चारों मैच जीत गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर विनिंग की बात करें तो ललित पेट्रोल्स की 55-45 इसका, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 मैच जीतने के बावजूद भी यहाँ पर ललित पेट्रोल्स की 55% वो क्यों है यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर इन दोनों टीम की बात करें तो दोनों टीम के बीच यहाँ पर 2 बार हेड टू हेड हुए, दोनों टीम ने एक एक बार जीत लिया फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हो ललितपुर यहाँ पर जीते हैं और यहाँ पर चितवन टाइगर्स ने जीता है। और यहाँ पर अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो चितवन टाइगर्स 3 मैच खेले, तीनों मैच जीत के पहला स्थान पे है, और यहाँ पर ललितपुर पेट्रोल्स सिर्फ 4 मैच में 1 मैच जीते, 2 मैच लॉस हुआ, और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 5th पोजीशन पे है। तो फ्रेंड्स ये है पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सारा ये मैच मैं ऑलरेडी बोला था कि मैच मैं कवर करने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पर मैच मैंने कवर कर दिया। तो नेक्स्ट एक और मैच है फ्रेंड्स, फैनकोड ईस्ट स्ट्रीट एंड काइप्रस, नेक्स्ट वही मैच में कवर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सुभनश्री चैंप्स वर्सेस यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा बॉयस है, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है फ्रेंड्स, जल्दी जाकर वीडियो पे यूट्यूब पे देख लीजिए। और ये मैच स्टार्ट होने में 1 घंटा है फ्रेंड्स, यहाँ पर 15-20 मिनट में आपको वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा। उसके बाद ये 2 मैचेस में कवर नहीं करने वाला हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर काइप्रस लीग है, एक ही मैच होगा 2, तो फ्रेंड्स ये मैच भी मैं कवर करने वाला हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो फ्रेंड्स जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर फ्रेंड्स टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फाइनल इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर ही देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यही है पूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना फ्रेंड्स। थैंक यू।